सत्यनारायण की पूजा, वो भी मुन्नी के साथ। बेटा, ये जो सत्यनारायण की पूजा है ना, इसकी सारी जिम्मेदारी तेरी है। सुबह 5 बजे उठकर 8 बजे तक डेकोरेशन का पूरा काम हो जाना चाहिए। 5 बजे? अरे ये तो बहुत भी अच्छी बात है, पूजा का आधा पुण्य तुम्हें मिल जाएगा। और वो भी प्रज्ञा के उठने से पहले। अगर प्रज्ञा उठ गई ना तो फिर वो काम में हाथ बटाएगी, और मैं चाहती हूँ कि इस पूजा का पूरा पुण्य तुम्हें मिले। मुझे लगा था प्रज्ञा आ गई है तो अब मेरे काम थोड़े से कम हो जाएंगे, पर यहाँ तो मुझे उसकी सेवा करनी पड़ेगी अब। मिताली, मिताली, क्या सोच रही है? दीदी ये सोच रही है कि सुबह काम से कैसे बचा जाए। सोचना भी मत, सुबह मुझे सारा काम खत्म नजर आना चाहिए, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अगर काम पूरा ना हुआ और अच्छी तरह ना हुआ तो याद रखना, आलिया और तनु का काम भी मैं तुझी से करवाऊंगी। नहीं नहीं नहीं, मैं सब कर लूंगी। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर। तो फिर साहब जी, आप शादी क्यों नहीं कर लेते? कर लीजिए ना शादी, थोड़ी बहुत झिकझिक होती है, पर जब तक मियां बीवी में झिकझिक ना हो ना तो लाइफ बड़ी बोर से हो जाती है साहब जी। साहब जी, ये आपने हाथ से चेन क्यों बांध रखी है? ये सेफ्टी के लिए। अच्छा अच्छा, सेफ्टी के लिए। जब आदमी का हाथ ही नहीं रहेगा तो क्या चेन करेगी और क्या सेफ्टी रहेगी। क्या हुआ, गाड़ी क्यों रोक दी? वो साहब जी बैंक आ गया, वो देखिए सामने। साहब जी, यहीं जाना था ना आपको? हाँ यहीं आना था। थैंक यू लखन। तो ऐसे नहीं मानेगा। आज मौका अच्छा से, बचना नहीं चाहिए। चिंता ना कर सोनू, आज जीना बचेगा। आखिरी बार बोल रहे से बैग छोड़ दे वरना। तू जितनी बार बोलेगा एक ही बात सुनेगा, नहीं छोड़ूंगा बैग। अब तो तेरा हाथ काटना ही पड़ेगा। बैग छोड़ दे, मैंने कहा बैग छोड़ दे। यही किसने मारी से? अरे कौन है? ओए, 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 ओए। यहाँ कुछ गुंडे एक आदमी को बेरहमी से पीट रहे, उसकी जान ले लेंगे, वो पैसे छीन रहे उससे। यहाँ प्रिंसिपल बैंक के सामने। अरे आप कितने सवाल पूछ रहे हैं, मैं 2 ईंटें मार चुकी हूँ और अब तीसरी मारने की तैयारी में हूँ। इससे पहले कि वो मुझे मार दे, प्लीज आप जल्दी आ जाइए प्लीज। तुम इन
इन सबके बॉस हो गए ना, समझदार जरूर हो गए। मुझसे लड़के क्या फायदा, टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो? वैसे भी मैंने पुलिस को बुला लिया है, वो कभी भी आती होगी। बहुत मार लिया बेचारे को, यहाँ का भी नहीं लगता है। उसके सामने हरियाणा का नाम खराब करोगे क्या? देखो तुम उसे जाने दो, मैं भी तुम्हें जाने दूंगी। इब तू हरियाणा का झंडा लहरा के मरने भाषण देगी, इब तू सिखाएगी क्या क्या करना है, क्या ना करना है स्कूल के मास्टर नहीं सेके। ए, चिन लो इससे बैग, मैं देखता हूँ कौन बीच में आता सा। होशियारी करेगी, डंडा मारेगी। अब देख मारे काम में टांग उड़ाने का अंजाम क्या होता है। देख आगे मत बढ़ना, आगे मत बढ़ना, मैं मार दूंगी, बहुत जोर से मारूंगी। मार दूंगी मैं। आप ठीक है? अच्छा क्या हो गया, क्या ढूंढ रहे हो आप? मेरा बैग। वो बैग? वो तो बैग लेके चले गए। क्या? पर कैसे मम मेरे? मैं अभी को क्या जवाब दूंगा? अरे इतना टेंशन क्यों भाई, ऐसे कैसे चोरी होने दूंगी मैं बैग? हाँ झांसी की रानी की तरह लड़ी है दिशा। वही मुझे ना फेलियर्स पसंद नहीं है। भैया बैग देना, ये लो जी आपका बैग। ओह थैंक यू सो मच, एक सेकंड के लिए तो मेरी जान ही निकल गई थी। देख लीजिए आपकी जान सही सलामत है ना, पैसे गिन लीजिए। नहीं वो बैग लॉक था। वैसे थैंक यू सो मच, आप तो ठीक है ना? उन लोगों ने आपको मारने की कोशिश तो नहीं की? कोशिश तो बहुत की थी, पर क्या है ना दिशा अपना ख्याल रखना जानती है। देखो मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, पर आपको क्या हो गया? शक्ल से तो बड़े समझदार लगते हैं आप। हाँ पैसे और अकल दोनों बैग में लॉक करके रखे हैं क्या? चंद पैसों के लिए आपने अपनी जिंदगी दांव पे लगा दी, ये भी कोई बात हुई? मुन्नी के नाम से जानते हैं तो क्या गांव में सब लोग झूठ बोल रहे थे और सिर्फ तुम ही सच बोल रही हो? नहीं आलिया, मेरा शक बढ़ता जा रहा है। मुझे ना सारी पहले की बातें याद है। पिछली बार भी जब वो आई थी तो सबसे रिश्ता तोड़ दिया था उसने, अपनी माँ अपनी बहन किसी से भी बात नहीं करती थी। और जो अपने माँ को अपने खिलाफ कर सकती है वो पूरे गांव को अपनी तरफ क्यों नहीं कर सकती? हले ये प्रज्ञा ही है, इसका दिल प्रज्ञा वाला है, जिसे अभी की प्रॉपर्टी में कोई इंटरेस्ट नहीं, जिससे सिर्फ अभी चाहिए। और उसे ये भी पता कि पूजा पति पत्नी के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है और इसीलिए उसने अभी को फोर्स किया इस पूजा के लिए। वो झूठ बोल रही है, वो प्रज्ञा ही है। अगर ऐसा है तो फिर वो यहाँ पर आना क्यों नहीं चाहती थी? क्यों उसने वेट किया कि हम वहां पर जाएं और उसे ब्लैकमेल करें तब जाके वो यहाँ पर आएगी? बोलो। आई थिंक ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि हमें उस पर शक हो। अगर वो इजीली मान जाती तो हमें शक होता कि वो इतनी इजीली कैसे मान गई। बट ये सब कुछ उसकी प्लानिंग थी, वो सेफ गेम थी। वो प्रज्ञा ही है आलिया, उसने अभी को पूजा के लिए इसीलिए मनाया क्योंकि उसे पता है पूजा कुमकुम मंगलसूत्र का इम्पोर्टेंस क्या है लाइफ में। नहीं तब वो प्रज्ञा नहीं है। उसके बोलने का तरीका देखें, उसके बाल देखें, उसके कपड़े देखें, एवरीथिंग, शी इज नॉट प्रज्ञा यार, शी इज मुन्नी। अरे ये सब कुछ हो सकता है, वो मुन्नी नहीं है, वो प्रज्ञा है। वो प्रज्ञा है या मुन्नी, अब पता करने का बस एक ही तरीका है। क्या? अगर वो पूजा में बैठने के लिए मना करती है तो वो मुन्नी। पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर।